ये देखो आज मैं ये वाली साड़ी की रेडी टू वेयर साड़ी बनाऊंगी, ठीक है। तो अभी इसकी पूरी कटिंग स्टिचिंग में कैसे करती हूँ मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये मैं करूँगी जैसे जो रेडीमेड चीज़ें मिलती हैं ना, जैसे पेटीकोट है 37-38 लेंथ का मिलता है लगभग लगभग, तो मैं वो सबको आ जाता है ना, तो उसी टाइप से मैं ये भी लेंथ जैसे 41-40 लगभग लगभग सबको आ जाती है ना। तो देखो मैं ले रही हूँ, मैं ये यहां से निशान लगा रही हूँ, ये वाला, ये यहां से मैंने लिया हुआ है। थर्टी नाइन फोर्टी है ना, क्योंकि इसके ऊपर बेल्ट लगेगा तो 41 तक का हो जाएगा ना। तो ये मैं ले रही हूँ इसकी लेंथ 39, तो ये इसकी लेंथ हो गई, क्योंकि 40-41 काफी होता है ना। और इसका जो घूमने वाला जो पल्ला है जो अपन लपेटते हैं उसको मैं ले रही हूँ, उसको मैं लगभग 40 या 45 ही लेती हूँ, क्योंकि वो ताकि सबको आ जाए, थोड़ा बड़ा इसलिए लेती हूँ ताकि वो सबको ही आ जाए लगभग लगभग। ये देखो यहाँ तक लूंगी मैं, 44 ले रही हूँ है ना, 45 लेती हूँ, 45, क्योंकि थोड़ा पटलियाँ अच्छी आ जाती है ना। बाकी का फिर ये छोड़ के आप देखो, मैं बताती हूँ पल्ला कितना छोड़ रही हूँ मैं, पल्ला छोड़ रही हूँ मैं ये पूरा, ये पूरा इंच टेप, ठीक है। फिर अपन यहां से रखेंगे, तो मैं ले रही हूं 33-34 है ना, ज्यादा नहीं ले रही हूं, 33-34 ले रही हूं, ठीक है। तो ये हो गया पल्ला है ना, ऐसे करके ये पूरा रेडीमेड साड़ी टाइप बनेगा। और अगर आप इसको नहीं काटना चाहते हो, साड़ी को नहीं काटना चाहते हो, तो कोई बात नहीं, आप इसी टाइप का कोई ब्लाउज पीस का एक बेल्ट टाइप का कपड़ा लेके पटली डाल के, और लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी तो फिर यहां से फोल्ड कर दो है ना, ताकि वो ऐसी साड़ी लो फिर जिसमें ये वर्क का कोई फर्क ना पड़े है ना। तो आप इसको ऐसे फोल्ड कर दो तो लेंथ पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर नहीं काटना है तो, पर मैं तो वजन हो जाता है तो थोड़ा मैं काट के ही बना रही हूँ, क्योंकि इतना रखने से कोई मतलब नहीं है, है ना। तो सबकी अपनी अपनी पसंद है, तो जैसा आप लोगों को लगे वैसा। अभी ये मैं कटिंग करती हूँ तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। अभी ये देखो एक तो कैमरा, ठीक है। दिख रहा है, मैंने थोड़ी दूरी दूर पर ये लगा रखे हैं निशान। आप लोग है ना, अगर नए हो तो अच्छे से स्केल से लगा लेना है ना, इंची टेप से पूरा सीधा निशान लगा लेना, ताकि कोई गड़बड़ नहीं होगी कि साड़ी है। और मेरी ये साड़ी थोड़ी सी वैसे कपड़े की है, वरना अगर वैसे सिफोन वगैरह की होती है तो बहुत खिसकती है ना, तो थोड़ी दिक्कत ज्यादा आती है। देखो मुझे कहाँ तक काटना है, देख लूँ यहाँ तक,
नहीं तो क्या होता है ना, कई बार ऐसे गलती से कट जाता है, इसलिए थोड़ा सा संभाल के काटो आप लोग, है ना। अच्छे से निशान लगा लो, फिर अच्छे से संभाल के काटो ये, ठीक है। तो ये निकाल दिया मैंने पट्टा, ये पूरी पट्टा निकाल दिया है ना इतना। अब यहाँ से मैं डालूंगी ये पल्ला छोड़ के, ये मैं डालूंगी पटलियाँ, है ना, ये राउंड छोड़ दूंगी, है ना, यहाँ से, ठीक है। ये राउंड है, ठीक। ये मैंने पीछे का भी काट दिया, वैसे आप चाहो तो पूरा एक साथ यहाँ से स्टार्ट करना और वहाँ तक काट देना, पर वो मैंने समझाने के हिसाब से बताया है, इसलिए मैंने ऐसे काटा है ना, ताकि पटलियों का अलग, पीछे का अलग और ये पल्ला।